आज मालेगांव कोर्ट में आरोपी को लाया गया था मोहम्मद कैफ के कत्ल के खिलाफ, क्या हुआ उस केस में? देखिए, पुलिस ने मोहम्मद कैफ को आज कोर्ट में 10 दिन की रिमांड मांगे थे। कानून के नज़र से आरोपी के कोई वकील नहीं थे। मालिकों के बार ने खुद से, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही नाबालिग था और बहुत घिनौनी साजिश करके उसे मारा गया, उसके बदन पे शक है और 8 दिन से उसकी कस्टडी नहीं थी, मिसिंग कंप्लेंट दी थी। किसी तरह मालूम हुआ, पुलिस ने व्हाट्सएप के ऊपर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तस्वीर भेजी और पुलिस की मुस्तैदी से बहरहाल मुजरिम को पकड़ा गया। पुलिस ने इसका मोडस ऑपरेंडी किया था, कत्ल क्यों किया है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए कि हमें ज़्यादा वक्त चाहिए, तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। मुजरिम के लिए कोई भी वकील काम करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत में 5-50 जितने भी वकील थे, मालेगांव के बार ने खुद से कहा कि हम कोई भी पैरवी नहीं करना चाहते। हल निकला कि भी जो बाहर के वकील आते हैं नानगो मनमार सटाना के, कुछ वकील मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बोला वो बच्चे के जैसे नाम सुने कि वो केस में हम कोई नहीं करना चाहते। एक लीगल एड की हमारी कमेटी रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि ऐसे जो भी मुजरिम जिनका कोई वकील नहीं, तो अदालत अपनी तरफ से उनको वकील मुहैया करती। आज जुम्मा होने की वजह से कुछ वकील मौजूद नहीं थे और जो मौजूद थे उनसे भी कॉन्टेक्ट किया, तो सब ने कुछ ना कुछ अपना पर्सनल उजर बता के अवॉइड किए। अदालत ने मजबूरन रुका, घंटा भर हमने देखे कोई और वकील आता है क्या, दूसरे भी, तो कोई भी तैयार नहीं था। अदालत ने रिपोर्ट देखा, सरकारी वकील नसीन ने एक एक चीज़ बताई, हमने भी मेहनत किए, सब वकीलों ने मजमू तौर पे बताया, कोर्ट ने भी पढ़ा, तो अदालत ने 25 तारीख तक के पुलिस कस्टडी 6 दिन की दी। 302 और 363 पहले किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि बच्चे का मर्डर हो गया तो अभी वो बुला गया। पुलिस का कहना है कि भाई नाबालिग बच्चा था, पोक्सो लगता क्या, या कोई उसको जिस्मानी अजियत पहुँचाई गई क्या, अकलामबाजी या और जो जो वजूहत हो सकते, पुलिस सब करने वाली, तो हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नासिक से आ जाएगी वो देखने के बाद में शायद कुछ दफात उसमें ऐड भी हो सकते हैं। इसमें कोई और आरोपी ऐसा हो सकते हैं? अभी वो तफ्तीश करेंगे, अभी तो कल पकड़े हैं, फ़ौरन लेके आए। अभी आरोपी से भी पूछा गया तो ऐसा दिखता है कि वो भी कोर्ट ने अदालत के तेरा क्या कहना है, पुलिस कस्टडी मांग रही, तो बोले हाँ दे दो पुलिस कस्टडी। उसने भी इनकार नहीं किया कि भाई मैं मुजरिम नहीं हूँ या मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिए, मैं बेगुनाह, ऐसा कुछ नहीं बोला। अदालत ने कहा कि भाई पुलिस कस्टडी मांग रही, तुम्हारा क्या बोलना, तो बोले हाँ पुलिस कस्टडी दे दो। तब कोर्ट को भी सजा देखता नहीं था मांग रहा, खाली वक्फा जो है, पुलिस ने 10 दिन के मांगे, लेकिन चूंकि अदालत ने भी सोचा कि भाई मुलजिम के भी हक होता है, कोई उसके साइड से बोलने को नहीं है, तो बीच काल निकाल के 25 तारीख तक 6 दिन की कस्टडी दी। इस तरीके का और कभी वाकया हुआ है कोर्ट में कि सब वकला एक तरफ थे और किसी, जहाँ तक मालिकों की तारीख में शायद ये पहला वाकया है। और नहीं मिलती हर तरह के, यानी हर तबके के आदमी, जो भी सीनियर है, छोटे है, बड़े है, सब है, लगभग बगैर बोले के सब ने कहा कि हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। ये मालिकों की तारीख का एक अच्छा मौका है कि सब लोग चाह रहे कि जैसे जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसके साथ सभी खड़े हैं। इसके पहले अरसलान के केस में जो आरोपी था उसको आसानी से जमानत मिल गई थी, क्या नहीं? वो देखिए कैसा है, जमानत देना ये अलग चीज़ है। अब पुलिस तफ्तीश में क्या आता, बाद आप ऐसा होता है कि पुलिस तफ्तीश में कुल्लू करने के बाद भी नहीं मिला, तो अदालत के जो पैमाना है देने का, अदालत देती है, उसके ऊपर आज अपन बोल नहीं सकते। ये ज़रूरी नहीं कि इसकी भी जमानत ना हो सकते, इसकी जमानत भी हो जाए। पुलिस मोटिव क्या लाती, हालात कैसे है, चश्मदीद गवाह क्या है, जहाँ चश्मदीद गवाह नहीं रहते तो जो सर्कमस्टांसेस की चेन रहती है, जैसा कब गया, जाते हुए किसी ने देखा क्या, आखिरी बार किसने देखा लड़के को, किसके साथ गया, या मारपीट करके, या जैसे भी रहा वो खुद कबूल देता था, बाद दफ़ा मुजरिम खुद कबूलता है मैंने मार दिया, ऐसे भी होता कई केसेस में। तो आप पुलिस के तफ्तीश में क्या आता उसके बाद ही वो तय हो पाएगा।